हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी 90 दशक की उन सदाबहार और खूबसूरत अभिनेत्रियों के बारे में जिन्होंने बॉलीवुड पर राज की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अन्नू अग्रवाल। दोस्तों, 1990 में आज की फिल्म से डेब्यू करने वाली बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री अन्नू अग्रवाल जी दिखने में कुछ इस तरह से दिखती हैं और अब 55 वर्ष की हैं। नगमा। दोस्तों, 1990 में बागी फिल्म से डेब्यू करने वाली बॉलीवुड की खूबसूरत और सदाबहार अभिनेत्री नगमा जी दिखने में कुछ इस तरह से दिखती हैं और अब 49 वर्ष की हैं। उर्मिला मातोंडकर। दोस्तों, 1991 में नरसिम्हा फिल्म से डेब्यू करने वाली बॉलीवुड की खूबसूरत और सदाबहार अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर जी दिखने में कुछ इस तरह से दिखती हैं और अब 49 वर्ष की हैं। मनीषा कोइराला। दोस्तों, 1991 में सौदागर फिल्म से डेब्यू करने वाली बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री मनीषा कोइराला जी दिखने में कुछ इस तरह से दिखती हैं और अब 53 वर्ष की हैं। रेमा बख्तियार। दोस्तों, 1991 में हिना फिल्म से डेब्यू करने वाली बॉलीवुड की खूबसूरत और सदाबहार अभिनेत्री रेमा बख्तियार जी दिखने में कुछ इस तरह से दिखती हैं और अब 61 वर्ष की हैं। अश्विनी भावे। दोस्तों, 1991 में हिना फिल्म से डेब्यू करने वाली बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री अश्विनी भावे जी दिखने में कुछ इस तरह से दिखती हैं और अब 51 वर्ष की हैं। मधु। दोस्तों, 1991 में फूल और कांटे फिल्म से डेब्यू करने वाली बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री मधु जी दिखने में कुछ इस तरह से दिखती हैं और अब 54 वर्ष की हैं। करिश्मा कपूर। दोस्तों, 1991 में प्रेम केदी फिल्म से डेब्यू करने वाली बॉलीवुड की खूबसूरत और सदाबहार अभिनेत्री करिश्मा कपूर जी दिखने में कुछ इस तरह से दिखती हैं और अब 49 वर्ष की हैं। रवीना टंडन। दोस्तों, 1991 में पत्थर के फूल फिल्म से डेब्यू करने वाली बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रवीना टंडन जी दिखने में कुछ इस तरह से दिखती हैं और अब 49 वर्ष की हैं। आयशा जुल्का। दोस्तों, 1991 में कुर्बान फिल्म से डेब्यू करने वाली बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री आयशा जुल्का जी दिखने में कुछ इस तरह से दिखती हैं और अब 51 वर्ष की हैं। ममता कुलकर्णी। दोस्तों, बॉलीवुड की खूबसूरत और सदाबहार अभिनेत्री ममता कुलकर्णी जी दिखने में कुछ इस तरह से दिखती हैं और अब 51 वर्ष की हैं। दिव्या भारती। दोस्तों, 1992 में विश्वात्मा फिल्म से डेब्यू करने वाली बॉलीवुड की खूबसूरत और सदाबहार अभिनेत्री दिव्या भारती जी की मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु के समय 19 वर्ष की थी। प्रतिभा सिन्हा। दोस्तों, बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री प्रतिभा सिन्हा जी दिखने में कुछ इस तरह से दिखती हैं और अब 54 वर्ष की हैं। काजोल। दोस्तों, 1992 में बेखुदी फिल्म से डेब्यू करने वाली बॉलीवुड की खूबसूरत और सदाबहार अभिनेत्री काजोल जी दिखने में कुछ इस तरह से दिखती हैं और अब 49 वर्ष की हैं। शिल्पा शेट्टी। दोस्तों, 1993 में बाजीगर फिल्म से डेब्यू करने वाली बॉलीवुड की सदाबहार और फिटनेस अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी जी दिखने में कुछ इस तरह से दिखती हैं और अब 48 वर्ष की हैं। सीमा विश्वास। दोस्तों, बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री सीमा विश्वास जी दिखने में कुछ इस तरह से दिखती हैं और अब 59 वर्ष की हैं। अंजलि जत्थार। दोस्तों, 1993 में मदहोश फिल्म से डेब्यू करने वाली अंजलि जत्थार जी दिखने में कुछ इस तरह से दिखती हैं और अब 37 वर्ष की हैं। सोनाली बेंद्रे। दोस्तों, 1993 में आग फिल्म से डेब्यू करने वाली सोनाली बेंद्रे जी दिखने में कुछ इस तरह से दिखती हैं और अब 49 वर्ष की हैं। तब्बू। दोस्तों, 1994 में विजयपथ फिल्म से डेब्यू करने वाली बॉलीवुड की खूबसूरत और सदाबहार अभिनेत्री तब्बू जी दिखने में कुछ इस तरह से दिखती हैं और अब 52 वर्ष की हैं। मोनिका बेदी। दोस्तों, बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री मोनिका बेदी जी दिखने में कुछ इस तरह से दिखती हैं और अब 49 वर्ष की हैं। ऋतुपर्णा संगुप्ता। दोस्तों, बॉलीवुड की सदाबहार और खूबसूरत अभिनेत्री ऋतुपर्णा संगुप्ता जी दिखने में कुछ इस तरह से दिखती हैं और अब 52 वर्ष की हैं। सुचित्रा कृष्णमूर्ति। दोस्तों, बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री सुचित्रा कृष्णमूर्ति जी दिखने में कुछ इस तरह से दिखती हैं और अब 48 वर्ष की हैं। ट्विंकल खन्ना। दोस्तों, 1995 में बरसात फिल्म से डेब्यू करने वाली बॉलीवुड की खूबसूरत और सदाबहार अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना जी दिखने में कुछ इस तरह से दिखती हैं और अब 50 वर्ष की हैं। रानी मुखर्जी। दोस्तों, 1996 में राजा की आएगी बारात फिल्म से डेब्यू करने वाली बॉलीवुड की सदाबहार और खूबसूरत अभिनेत्री रानी मुखर्जी
दिखने में कुछ इस तरह से दिखती हैं और अब 45 वर्ष की सोनाली कुलकर्णी। दोस्तों बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी जी दिखने में कुछ इस तरह से दिखती हैं और अब 49 वर्ष की हैं। सुष्मिता सेन। दोस्तों 1996 में दस्तक फिल्म से डेब्यू करने वाली बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री सुष्मिता सेन दिखने में कुछ इस तरह से दिखती हैं और अब 48 वर्ष की हैं। प्रिया गिल। दोस्तों बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री प्रिया गिल जी दिखने में कुछ इस तरह से दिखती हैं और अब 48 वर्ष की हैं। महिमा चौधरी। दोस्तों 1997 में परदेश फिल्म से डेब्यू करने वाली बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री महिमा चौधरी जी दिखने में कुछ इस तरह से दिखती हैं और अब 50 वर्ष की हैं। ऐश्वर्या राय। दोस्तों 1997 में और प्यार हो गया फिल्म से डेब्यू करने वाली बॉलीवुड की खूबसूरत और सदाबहार अभिनेत्री ऐश्वर्या राय जी दिखने में कुछ इस तरह से दिखती हैं और अब 50 वर्ष की हैं। पूजा बत्रा। दोस्तों 1997 में विरासत फिल्म से डेब्यू करने वाली बॉलीवुड की खूबसूरत और सदाबहार अभिनेत्री पूजा बत्रा जी दिखने में कुछ इस तरह से दिखती हैं और अब 47 वर्ष की हैं। प्रीति जिंटा। दोस्तों 90 दशक की सदाबहार और खूबसूरत अभिनेत्री प्रीति जिंटा जी दिखने में कुछ इस तरह से दिखती हैं और अब 48 वर्ष की हैं। नेहा। दोस्तों 1998 में करीब फिल्म से डेब्यू करने वाली बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री नेहा जी दिखने में कुछ इस तरह से दिखती हैं और अब 48 वर्ष की हैं। रिंकी खन्ना। दोस्तों बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रिंकी खन्ना जी दिखने में कुछ इस तरह से दिखती हैं और अब 46 वर्ष की हैं।